खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चल में। आज हम लोग आपके सामने एक ऐसी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का मामला लेके आए हैं जिसके कारण बताया जा रहा है कि इनकी वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो गई है, क्योंकि एक चार्जिंग वायर की वजह से ये काफी सारे खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि जासूसी कर रहा था बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड की, क्योंकि 6 साल से उसको शक हो रहा था कि कुछ न कुछ उसकी गर्लफ्रेंड का चल रहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं पूरी लेटेस्ट अपडेट कहां से आ रही है, इसके ऊपर नजर डालते हैं। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रिलेशनशिप काफी ज्यादा मजबूत होना चाहिए। अगर एक भी पार्टनर कुछ आड़ा टेढ़ा कुछ चीजें करने लग जाता है या उसका बिहेवियर कुछ चेंज हो जाता है, या तो लड़की को शक होने लग जाता है या तो लड़के को शक होने लग जाता है। यहाँ पर रिलेशनशिप को लेके हम लोग बात कर रहे हैं जो कि अमेरिका से आ रहा है। बताया जा रहा है कि बहुत ही फेमस टिकटॉकर को अपनी कहानी बताते हुए, टिकटॉकर ने अपनी कहानी सोशल मीडिया के थ्रू सब लोगों को बताया अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, जिसके साथ वो 6 साल से रह रहा था और उसको कुछ ही समय पहले अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर काफी ज्यादा शक होने लग गया। सबसे पहले हम लोग आपको ये चीज बता दें कि इंडिया में टिकटॉक बंद हुआ है, बाहर की कंट्रियों में अभी भी टिकटॉक चालू है और वहां पर काफी सारे लोग अभी भी टिकटॉक बना रहे हैं और टिकटॉकर्स जो है वो एक्चुअली में वहां पर है। इस दौरान ही यहाँ पर इस टिकटॉकर को अपनी गर्लफ्रेंड पे शक हुआ तो इसने ऑनलाइन एक चार्जर मंगाया जो कि एक्चुअली में एक सीक्रेट कैमरा था। उसने घर के अंदर वो सीक्रेट कैमरा जो है, चार्जर जो है, वो लगा दिया और अपनी गर्लफ्रेंड को बताया कि वो एक्चुअली में यहाँ से जा रहा है कुछ टाइम के लिए और वापस जल्दी लौट के आ जाएगा। इस दौरान ही वो अपनी गाड़ी में जाके बैठ जाता है और वो घर की रिकॉर्डिंग जो है अपने फोन में देखता है। इस दौरान ही उसके जाने के बाद डोर बेल बजती है, बजने के बाद एक आदमी अंदर आता है और अंदर आने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड के हाथों में डाला होता है और रूम के अंदर जाने से पहले वो दोनों एक स्मूच करते हैं, किस करते हैं और उस दौरान ही ये वीडियो देखने के बाद उसका दिल बिल्कुल टूट जाता है। इस वीडियो को अपलोड करते हुए उस टिकटॉकर ने ये चीज बोली कि मुझे गलत मत समझना, पर ये मेरी 6 साल की जो जिंदगी थी वो बर्बाद होके रह गई है। ये वीडियो को एक्चुअली में उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी शेयर कर दिया। शेयर करने के बाद उसको ये चीज बताया कि वो अपना सामान जल्दी बांधे और यहाँ से चली जाए। वो आशा करता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो खुश रहेगी। तो आई होप गाइस आप लोगों को जानकारी काफी ज्यादा मजेदार लगी होगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।